वाला जी है? वाइल्ड वाले जी। एक बार फिर से गेंद जाते हुए कैमरामैन के पास और कहते हुए गुड जॉब डन। और यह तीसरी गेंद पर यहां पर दौड़कर एक रन पूरा किया ओवर थ्रो के माध्यम से, एक और रन, टोटल दो रन आते हुए और पहली तीन गेंदों पर छह रन के साथ धुआंधार अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी करते हुए ये दोनों ओपनर बैटर। और ये लेग स्टंप के बाहर थे, वाइड करा देते हुए। अच्छे फील्डिंग वहां पर ड्राइव किया था लेग साइड में। एक बार फिर से पैरों में डाली गई थी ये गेंद। लगातार अच्छी लाइन और लेंथ के साथ में गेंदबाजी करते हुए सिर्फ सात रन इस ओवर से आए और यह पैरों से रोकने का प्रयास था। यहां पर अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाते हुए एक अच्छे स्कोर की बुनियाद रखते हुए यहां पर काफी तेजी के साथ ऑफ स्टंप पर आई थी गेंद, निचले हिस्से को लगकर ऑफ साइड की तरफ गई। सचिन यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए, पहली अच्छी गेंद। ओ चार रन यहां पर। पर चार रन हासिल करते हुए और यहां पर स्क्वायर लेग अंपायर के पास में से यह गेंद जाते हुए एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। फुल टॉस, कोई मौका नहीं, पैरों पर जूसी फुल टॉस और इसके साथ ही ये रन अर्जित करते हुए और इन्हीं रनों के साथ टोटल आंकड़ा पहुंचता हुआ टोटल 17। और यहां पर मिस फील्ड हुई अन्यथा एक मौका बन सकता था 9/11 एंड पर। तो बहरहाल एक रन अर्जित करते हुए 18 रन पहुंचता हुआ यह आंकड़ा सचिन की गेंदबाजी पर। फुल टॉस और यहां पर अच्छे फील्डिंग, कमाल के फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए दो रन अब बचाते हुए एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में और आंकड़ा पहुंचता हुआ 19 के घर पे। और यह पहली गेंद पर 9 बॉल के साथ 20 रन पहुंचता हुआ यह आंकड़ा। और यह टैप सीधे नारियल पानी मांगते हुए नारियल के पेड़ पर जाकर दो रन यहां पर हासिल करते हुए बैकफुट पंच किया, टैप कर दिया गेंद को दो रनों के लिए। एक बार फिर से टैप स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से दो और रन यहां पर हासिल करते हुए।
और अच्छी अच्छी गेंद, ड्राइव अच्छा था, फ्रंट फुट पर आए थे, ओवर पे डिलीवरी, ड्राइव किया था, लेकिन उसके बाद ये वाइड गेंद। एक बार फिर से टैप कर दिया, दो रन। और धीरज वापिस आते हुए पवेलियन की ओर। लेग स्टंप के बाहर थी ये गेंद, इस ओवर की चौथी इलीगल डिलीवरी। दो और रन यहां पर हासिल करते हुए
ये रिव्यू जाया होता हुआ डॉट गेंद यहां पर आती हुई। आखिरी दो गेंदे और ए टैप, दो और रन बैक फुट पर गए थे, एक मौका था यहां पर टैप करने का, आसानी के साथ दो रन हासिल करने का, और उस गेंद को बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए परफेक्ट पोजीशन पे थे और दो रन यहां पर हासिल करते हुए 41 पहुंचता हुआ यह आंकड़ा आगे बढ़े। कदमों का इस्तेमाल किया था और दो और रन जुड़ते हुए। आखिरी के दो ओवर की ओर जहां पर स्कोर 43 चार ओवर के बाद। आगे बढ़े थे, फुल टॉस बनाया गया इनको और यह विकेट हासिल करते हुए।
51 और यह फ्लाइटेड डिलीवरी ललचाया यहां पर बैटर को असमंजस में डालते हुए डॉट गेंद। ओ अच्छी हिट यहां पर, कदमों का इस्तेमाल किया, लेग स्टंप पर गेंद थी, लेग साइड की तरफ लगभग शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में ये दो रन हासिल करते हुए। और यहां पर तीन रन आखिरी गेंद इस इनिंग की, और उसके बाद टॉस के लिए शौर्य रॉयल चैलेंजर्स वर्सेस रॉयल टाइगर। तो दोनों टीम के कप्तान प्लीज आप टॉस के लिए आइएगा, आखिरी गेंद अगर लीगल डाली जाती है तो। और एक रन यहां पर हासिल किया, दूसरे रन के लिए रन आउट। पहली इनिंग में टोटल रन बने 57 और 58, 58 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। तो आगे का आंखों देखा हाल प्रसाद परव जी उनके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेंद्र ओझा। आइए दूसरे सत्र की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, दूसरे इनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पे वाइल्ड वॉरियर्स टीम को जीतने के लिए 58 रनों की आवश्यकता है। इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है, शौर्य रॉयल चैलेंजर्स बनाम रॉयल टाइगर, दोनों के बीच में टॉस हो चुका है और टॉस जीतने के बाद रॉयल टाइगर की टीम ने रॉयल टाइगर ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का न्योता यहां पे निर्णय लिया है और गेंदबाजी का न्योता दिया है वो शौर्य रॉयल चैलेंजर को। आइए मैच की हम शुरुआत करने जा रहे हैं दूसरे सत्र में। अगर इक्वेशन देखें, इसके पहले दो दो मुकाबले खेल चुके दोनों भी टीमें, पहले दोनों मुकाबले हार चुकी है और यहां पे देखना है कि जीत की दहलीज पे पहले कदम कौन रखेगा इस लीग मुकाबले में, लीग मैचेस में पहली जीत कौन यहां पे दर्ज करेगा, क्योंकि अभी तक जीत का स्वाद दोनों भी टीम ने चखा नहीं है। दोनों ने भी टीम पहला मुकाबला हार चुकी है। नो बॉल, ऑन ड्राइव किया, क्विक सिंगल वहां पे कंप्लीट, अभिषेक लोकेश नो प्लस वन, दो रन यहां पे ऐड किए जाएंगे। गेंदबाज है वो धीरज, स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज अब आएंगे वो अभिषेक, रन संख्या 2। ओ गेंद देखना, ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया, एक रन यहां पे पूरा कर लिया। हल्के से प्लेस किया गेंद को, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 3। अच्छी गेंद, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया इस गेंद के साथ बल्लेबाज लोकेश को, लेकिन ऐसे प्रेशर को हैंडल करना भली बात ही जानते हैं लोकेश जो स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं। ओ अच्छा स्ट्रोक, क्या स्ट्रोक था, कॉपी बुक स्टाइल, और दूसरे रन के निकल पड़े, 2 रन पूरे करेंगे, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। दो रन भाग के पूरे कर लिए, अच्छा कोऑर्डिनेशन, बस 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर।
दो रन भाग के पूरे गए वही यहाँ पे काउंट किए जाएंगे, रन संख्या 6। तीन गेंदे शेष है। अच्छा ड्राइव सामने खेल दिया, अपील प्रियांक की, लाउड अपील रन आउट के लिए। बल्लेबाज उधर ही थे क्रीज के अंदर, क्या स्माइल दे रहे देखे अभिषेक, उनको पता है मैं बल्ला, मेरा बल्ला बाहर निकला ही नहीं है। अगली गेंद धीरज की, दिशा के ऊपर नियंत्रण नहीं है, लेग स्टंप के बाहरी बार, लेग स्टंप के बाहर, वाइट प्लस वन, वाइट प्लस वन, दो रन ऐड किए जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर, रन संख्या 7 रन। पुलटॉस अगेन, व्हाट अ शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पे, दो रन के लिए निकल पड़े। प्रीतेश ने अब बताया ये बाउंड्री है, अच्छा स्ट्रोक, व्हाट अ शॉट, इसलिए मैंने कहा कि लोकेश ऐसे प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं, क्या शॉट लगाया, रन संख्या 11, कड़क शॉट, ये भी ऑन ड्राइव कर दिया, वहां पे खिलाड़ी मौजूद लेकिन क्विक सिंगल, यस कॉल इंपॉर्टेंट होना चाहिए, रन संख्या 12। धाव संख्या 12, रन संख्या 12, कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, यस नो एंड वेट, ये कॉल होना चाहिए। गेंदबाजी मोर्चे में अब नए गेंदबाज प्रीतेश, खुद कप्तान, एसएस 11 लीजेंड्स के कैप्टन खुद आए गेंदबाजी मोर्चे पे। स्ट्राइक एंड पे है लोकेश, रन संख्या 12, करने हैं 58 मैच को जीतने के लिए, 58 टू विन। ओ आउटसाइड एज, गेंद जाती हुई पीछे, वहां से एक रन चुरा लिया, एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती स्कोर कार्ड के ऊपर, वो 13 रन, थैंक यू ओम। राउंड विकेट प्रीतेश, ओ आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, नॉट आउट, गुड डिसीजन, अच्छा यहां पे कीपिंग ध्रुव का, प्रेशराइज किया था अंपायर को, लेकिन अंपायर ने यही बताया कि उसका पैर क्रीज के बाहर निकला ही नहीं है, सो इसलिए नॉट आउट करार दिया। ओ और एक डॉट बॉल, और एक डॉट बॉल गेंद, क्या है, गेंदबाज ने खुद भी कुछ यहां पे चीजें एक्सेप्ट की है, डेड बॉल, यस डेड बॉल, बॉल है, ओके। गेंदबाज आके कुछ तो यहां पे कुछ चर्चा कर रहा था इसलिए मैंने पूछा, गेंदबाज ने खुद यहां पे आके एक्सेप्ट किया है, उसके बाद हमने डेड बॉल किया है, ओके डेड बॉल है। अगली गेंद तैयार, फिर एक बार तैयार, ओ और एक डॉट, ये गेंद, ये जरूर विकेट है, ये जरूर विकेट है, पैर हवा में था और वहां पे विकेट डाउन कर दिया ध्रुव ने, और एक विकेट। स्टम्प टू स्टम्प अटैक, एक भी गेंद अब तक बल्ले से लगी नहीं है, एकमात्र पहले गेंद के ऊपर आप देख रहे हैं शॉट देखने को मिला था, उसके बाद मौका नहीं दे रहे, और ये लेफ्ट स्टंप के बाहर है, वाइट प्लस वन, दो रन ऐड किए जाएंगे। ध्रुव के हाथ से गेंद निकलती हुई पीछे, वाइट प्लस वन, दो रन यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, और इस दो रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती स्कोर कार्ड के ऊपर, वो 15 रन, 15 ऑन द बोर्ड। पुलटॉस से ड्राइव किया, अच्छा स्ट्रोक, एक रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। नीचे वाले रेलिंग को बॉल लगने के बाद गेंद डाइवर्ट हो गई, 16 16।
तेजी के साथ गया, बल्ले को घुमाया, सबमरीन डिलीवरी, डिक्लेयर जोन, एक रन, 22 के रूप में ये रन काउंट किया जाएगा। ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति हो चुके हैं, रन संख्या 17, 58 रनों का पीछा करती हुई, अभी भी 24 गेंदे शेष है और 24 गेंदों में चाहिए मैच को जीतने के लिए 41 रन, रिक्वायर्ड रन रेट 10.25। प्रियांक गेंदबाजी मोर्चे पे, तगड़ा अनुभव है गेंदबाजी का, पहले दो मैच में दो ओवर डाले उन्होंने और क्या गेंदबाजी की थी, बहुत ही बढ़िया और इकोनॉमिकल गेंदबाज है प्रियांक। ओ ड्राइव किया है, अच्छी फील्डिंग वहां पे, रिले फील्डिंग, पैर से गेंद को पॉज किया, धीरज ने बैकअप वहां पे मिला प्रीतेश का और डॉट बॉल, वो फुल टॉस दिए, ये फुल टॉस दी गेंद, पढ़ ही नहीं पाए, इसलिए मैंने कहा था ये काफी अनुभवी गेंदबाज है, ठूस ठूस के भरा हुआ अनुभव इनके पास, और गेंदबाजी की कमान संभालते हुए दो गेंदे अब तक डॉट डाल चुके हैं प्रियांक। ये गेंद अभी यहां पे अच्छा लिफ्ट किया, एंटिसिपेशन दिखाया, खुद को रोका, जाने दिया गेंद को, लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल, बैकफुट पे चले गए, कट किया इस गेंद को और डिक्लेयर जोन में मिलता हुआ एक रन, एक रन जरूर मिलेगा यहां पे, रन संख्या 19, 19। तो ऑन ड्राइव करने की कोशिश वहां पे थी, सामने वाले बल्लेबाज ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लोकेश ने, आखिर की दो गेंदे अभी भी शेष है इस ओवर की, आप देख रहे पारी का तीसरा ओवर, यहां पे प्रियांक के माध्यम से पहला ओवर फेंका था वो धीरज ने, 12 रन खर्च किए, उसके बाद प्रीतेश ने सिर्फ 5 रन खर्च किए, ओ जाने दिया, जाने दिया, अच्छा लिफ्ट किया गेंद को, छोड़ दिया गेंद को, वाइड बॉल, रन संख्या 20 रन, 20 रन ऑन स्कोर कार्ड, ओ फिर एक बार छोड़ दिया, एक अच्छा मिश्रण है गेंदबाजी में, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सही तरीके से उसको गेंद को पिचिंग करना भी जरूरी है और यही देखने को मिला, दो गेंदे बैक टू बैक डॉ वाइट डाली है प्रियांक ने, रन संख्या आगे बढ़ती है स्कोर कार्ड के ऊपर, वो 21, 21 रन, 58 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए, देखना होगा, इसके पहले एक भी मुकाबला जीती नहीं है दोनों भी टीमें और जीत के दहलीज पे कौन जाके खड़ा होगा, फुल टॉस गेंद है और उसको अच्छा स्ट्रोक दिया, अच्छा ऑफर किया स्ट्रोक, दो रन, दाव संख्या 23, 23, अच्छा स्ट्रोक बैक टू द बॉलर, फॉल थ्रू में जैन को कवर किया, डॉट बॉल, तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन संख्या 23 रन, अभी भी 18 रन चाहिए, 18 गेंदों में 35 टू विन, 18 गेंदे 35 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए, अठारह गेंदे 35 रन, लोकेश को पिछले कुछ गेंदों में स्ट्राइक ही नहीं मिली, देखना होगा स्ट्राइक के आने के बाद कैसे तरह किस तरह से जवाबी हमला देंगे, 18 गेंदे 35 रन, पहला ही गेंद फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया गेंद को, स्ट्रोक में ताकत मजबूत थी लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, लेकिन रन जरूर मिलेगा, 17 गेंदे 34 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए, संतोष साटम खुद ओनर इस टीम के, SS11 लीजेंड, ओ जैसे देखा लिस्टन के कार गेंद, गेंद पकड़ने से पहले ही स्टंप के ऊपर चले गए थे ध्रुव, इसी के साथ व्हाइट प्लस वन, दो रन यहां पे ऐड किए जाएंगे, 1 white, 1 white यहां पे ऐड किया जाएगा, ड्राइव किया बैक टू द बॉलर, सामने खेला, एक ही रन मिलेगा यहां पे, अच्छी फील्डिंग, अच्छा बैकअप, अच्छा रिले फील्डिंग,
मिलेंगे मैच, एक रन इस गेंद के ऊपर, रन संख्या आगे बढ़ती है, स्कोर कार्ड के ऊपर रन हो चुके वो 26। ओ इस गेंद को ललचाया था, इस गेंद के ऊपर बार मारने की कोशिश, सचिन ऑन स्ट्राइक, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर सचिन, फुल टॉस गेंद है, सामने खेल दिया, करा फील्डिंग और एक चार रन। दिया धावा बोल दिया संतोष साटम के ऊपर, चौका बटोर लिया, फुल टॉस गेंद है, खिलाड़ी मौजूद है, रन आउट का मौका, लेकिन थोड़ा थोड़ा वाइडिश, एक रन यहां पे पूरा कर लिया, मौका दिया मोनिल को स्ट्राइक एंड के ऊपर आने का, रन संख्या आगे बढ़ती स्कोर कार्ड के ऊपर 31, थैंक यू ओम, 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ड्राइव किया है, अच्छा स्ट्रोक, तीन रन यहां पे काउंट किए जाएंगे, चलो मैच को स्टार्ट कीजिए। प्रीतेश ने भी एक्सेप्ट किया है, क्योंकि अगर गेंद पोल के इस साइड लगती तो गेंद इधर ही रहती थी, उधर नहीं जाती थी, वो साइड लगी है इसलिए गेंद उधर डाइवर्ट हो गई, ये प्रीतेश ने एक्सेप्ट किया। तीन रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी स्कोर कार्ड के ऊपर, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, चार रन बने हैं 34, 12-24 धावा, 12 गेंदे शेष, क्या है बुलंद हो हौसला तो फासला क्या है, यह जवाब दिया अभी तक बल्लेबाजी करने वाली वाइड वॉरियर्स टीम ने। 12 गेंदे शेष है, 24 रनों की आवश्यकता, बैटिंग पावर प्ले हैज बीन टेकन बाय टीम वाइड वॉरियर्स। स्ट्राइक एंड पे सचिन, नौ सेकंड पे मोनिल, गेंदबाजी मोर्चे पे नए गेंदबाज, पहली गेंद यहां पर फुल टॉस थी, नो बॉल, अंपायर का सिग्नल आता हुआ नो बॉल, गेंदबाज है पंकज, 12 गेंदे 23 की आवश्यकता है, अच्छा स्ट्रोक वहां पे, फील्डर वहां पे मौजूद, क्विक सिंगल, अच्छी फील्डिंग कप्तान द्वारा, कप्तान वहां पे मौजूद है डीप में, 11 गेंदे शेष है, 22 रन की आवश्यकता, हर एक गेंद के ऊपर दो रन चाहिए, पावर प्ले का फायदा उठाना पड़ेगा बल्लेबाजों को, आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, नो बॉल, नो बॉल,
देखना होगा अंपायर का यहाँ पे क्या सिग्नल आता है। नो प्लस वन, यस, दो रन यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। इसका मतलब है गेंदे शेष है 11 और 20 रनों की आवश्यकता है। 11 गेंदे 20 रन, आगे बढ़े थे, चूक गए थे, विकेट कीपर ने गलती की। यहाँ पे मौका था मोनिल को विकेट कीपिंग के सहारे स्टंपिंग करने का। ओ, ज्यादा दूर नहीं गेंद गई है, लेकिन यहाँ पे रन जरूर लेंगे, रन चाहिए। 10 गेंदे शेष है, 19 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस है, सामने खेल दिया प्रियांक के हाथ में, अपील रन आउट की। इट्स अंपायर रिव्यू, क्लोज डिसीजन था कि जहां पे रन आउट किया मौका था वहां पे काफी सारे खिलाड़ी सामने आ चुके थे अंपायर के, इसलिए अभी खुद आके वो चेक करेंगे बल्लेबाज आउट है या नहीं है। We also say thanks to our बल्लेबाज आउट, प्रियांक ने अच्छा स्टंपिंग वहां पे किया, अच्छा रन आउट किया। जिनोय आ चुके हैं गेंदबाजी मोर्चे पे, फिर एक बार रुक करेंगे गेंदबाज पंकज। फुल टॉस गेंद थी, डाइवर्ट हो गई गेंद, गेंद डाइवर्ट हो गई और वहीं पे रुक गई, किस्मत का साथ नहीं मिला। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मुनिल को। फुल टॉस गेंद है, दो रन के लिए शॉट डिक्लेयर जोन में, रन संख्या हो चुकी स्कोर कार्ड के ऊपर वो 42, 42 रन। देखना होगा गेंदे शेष है इस मैच को जीतने के लिए, रन चाहिए 16, 7 गेंदे 16 रन। सामने खेल दिया, अच्छी फील्डिंग, एप्लीकेशन क्या है, एक ओवर शेष है, 6 गेंदों का खेल शेष है और रन चाहिए वो 16। वी ऑल्सो से थैंक्स टू अवर टाइटल स्पॉन्सर ई मोटर एड, जिनके माध्यम से हर साल हमें मान सीरीज के लिए ई साइकिल वो पेश करते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद शार्प लेग्स, केवल निवेश जर्सी स्पॉन्सर, वर्टेक्स, उसके बाद अदर स्पॉन्सर्स आरंभ IFS प्राइवेट लिमिटेड, अरियंत इंटीरियर, एवन प्रॉपर्टीज, कियारा फूड इंटरनेशनल, कृष्णा लैंडमार्क्स, मनी एज, वन रूफ रियल्टी, पल्स हाईटेक हेल्थ केयर, इमेजिंग सेंटर, स्कैनटेक, सुधांशु इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, स्वयंभू बेस्ट क्वालिटी कैश्यू एंड नव भारत मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ऑल्सो से थैंक्स टू ऑल अवर स्पॉन्सर्स। चलो मैच को स्टार्ट कीजिए, 6 गेंदे 16 रन। ये क्या किया, डबल माइंडेड हो गए यहाँ पे, कहाँ पे गेंद छोड़नी थी और पैर और स्टंप के बीच में से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। पहली गेंद यहाँ पे डॉट डाली है गेंदबाज उमेश, पहली गेंद डॉट। और गेंद आप देखना होगा, ड्राइव किया, नो बॉल है, अंपायर का सिग्नल नो बॉल आता हुआ, नो प्लस, देखना होगा कितने रन यहां पे मिलेंगे, दो रन, नो प्लस टू।
5-12 ना, 5-13 बैकफुट पे चले गए, पंच किया, देखना होगा रन कितने मिलेंगे। 2 रन, 4 गेंदे और रनों की आवश्यकता है। 11 4-11, फिर एक बार नो बॉल। अरे यहां पे मिलेंगे कितने रन, कुल मिला के 3 और एक नो, नो प्लस 3, 4 रन मिलेंगे। नो प्लस 3, इसका मतलब क्या है, अभी 4 गेंदे शेष है और जीत के लिए 8 रनों की आवश्यकता, 7 रनों की आवश्यकता, क्योंकि 4 रन ऐड किए जाएंगे। 4 गेंदे 7 रन, चार चेंडू 7 धावा, चार चेंडू 7 धावा, चार चेंडू 7 धावा, चार चेंडू 7 धावेची गरज आहे। चला सामना सुरू करा, सामना कुठे होता कुठे आला बघा, या षटकामध्ये सामन्याला कलाटणी मिळाली। 4 चेंडू आणि 7 धावेची गरज आहे। राउंड विकेट, ओ इनसाइड एज, एक रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। 3 चेंडू 6 धावा, क्या बल्लेबाजी की है मुनील ने, नो बॉल। ये हो गया मैच का मोमेंटम, 3 गेंदे 3 रन की आवश्यकता, 20 रन कंप्लीट। मुनील जीत के दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया है मुनील ने। वीस धावा कंप्लीट झालेत मोनीरच्या, आता मात्र इक्वेशन जे आहे 3 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे। 3 चेंडू 3 धावा, इक्वेशन 3 चेंडू 3 धावा। तीन चेंडू 3 धावांची गरज, स्ट्राइकला नितीन, ओ क्या बात है, पैडल स्वीप, 2 गेंद 2 रन की आवश्यकता है। रन बॉल इक्वेशन, 2 चेंडू 2 धावा आणि मैच विनिंग शॉट, मैच विनिंग शॉट, पहली जीत सेलिब्रेट करते हुए, 1 गेंद शेष रहने के बाद मैच को जीता है वाइल्ड वॉयजेस की टीम ने।